अयोध्या पहुंचे प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्षी दलों को जनता ने नकार दिया है। एक एक कर हर प्रदेश से विपक्षी दलों का सूपड़ा साफ होता जा रहा है, जिसके चलते विपक्षी दल मानसिक अवसाद की हालत में पहुंच गए हैं। इनके पास न तो कोई नीति है और न ही कोई एजेंडा। जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया है, इसलिए विपक्ष केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। तरह तरह की अफवाहें लोग फैला रहे हैं, जबकि सच्चाई दूसरी है। उसको स्पष्ट करने के लिए हम लोग यहाँ संगोष्ठी का आयोजन किए थे, जिसमें अपने सभी कार्यकर्ता, जनपद के सभी संभ्रांत लोग, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, माननीय सांसद, माननीय विधायक, महापौर, सभी साथी इकट्ठा हुए थे। और ये स्पष्ट किया गया है कि भारतीय जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, किसी भी भारतवासी पर लागू नहीं होता है। ये किसी भी परिस्थिति में भारतवासी इसे बिल्कुल भी चिंता न करें। ये केवल तीन देशों से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से, जो धार्मिक अल्पसंख्यक वहाँ के, धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर के भारत में शरणार्थी के रूप में जीवन यापन कर रहे थे, उनको नागरिकता देने के लिए लाया गया है। किसी भी भारतवासी के खिलाफ ये अधिनियम नहीं है। इसको स्पष्ट करने के लिए हम लोग आज यहाँ आए थे।